आज पूरे दिन मैं काम नहीं कर पाया, मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीजन एक है कि अभी वीडियो में हम पूरा दिखाएंगे खेसारी लाल के जो लाइव आकर अपडेट में उन्होंने एक नम आंखों से क्या कहा था वो आपको अभी हम पूरा वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन पहले आप हमारी इस बात को जरूर ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट में जरूर बताइए कि आपका ओपिनियन क्या है इस गाने के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने इस भोजपुरी गाने को सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना होगा, तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ये पंकज सिंह के द्वारा गाया गया एक ही बहुत घटिया गाना है, मेरा मानना यही है। लेकिन अब भोजपुरी इंडस्ट्री में इसकी शुरुआत कैसे कहाँ से हुई, सब लोगों ने ऐसे गाने गाए हैं, कोई किसी छूता नहीं है। नाम लेकर कैसे कैसे खेसारी लाल ने बहुत गाने गाए, लेकिन इन्होंने 2 साल से जब इनके पहले वाला गाना आया था खेसरिया की बेटी वाला, उसके बाद से इन्होंने कोई ऐसा गाना नहीं गाया। लेकिन पंकज सिंह को क्या इसी जरूरत थी दोबारा उन्हें ऐसे गाने गाने पड़ गए? अरे यार, भोजपुरी इंडस्ट्री तुम लोगों ने एकदम बदनाम करके रख दिया है। सबके ऊपर आएगा एक दिन, पंकज सिंह के भी ऊपर आएगा एक दिन, सबके ऊपर आएगा। ऐसे गाने आते रहेंगे, सबके ऊपर आएंगे। यार तुम लोगों ने जिस चीज़ की शुरुआत की ना, वो बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। किसी की बहन पर आएगा, किसी की बेटी पर आएगा, किसी के पर आएगा, नाम सबका लेकर आएगा, उसमें अभद्रता भी रहेगी। और तुम लोग ऐसे ही लाइव आकर रोते रहोगे, यार दुख होता है यार किसी की भी बेटी हो। इस गाने से बहुत दुख हो रहा है, खेसारी लाल को ऐसे लाइव देखकर बहुत दुख हो रहा है। लेकिन अब क्या करें, ऐसा गाना नहीं गाना चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी गायक हो, यार तुम लोगों को ऐसा गाने गाने की क्या जरूरत थी? और पंकज सिंह को भी ऐसा गाना गाने की क्या जरूरत थी? इससे पहले भी गाना गाए थे, फिर लतियाए वगैरह गए थे शायद, यूट्यूब पर हमने कुछ देखा था। नहीं यार, क्या मतलब है ऐसा गाने गाने की? मुझे नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। रीजन एक है कि मैं एक पिता भी हूं। ठीक है, गाना बजाना अलग मैटर है, मैं तो दिनों रात सिर्फ मनोरंजन का काम करना चाहता हूं, मुझे काम करने दो। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं भोजपुरी भाषा के लिए कुछ नहीं किया है और मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप पूरी जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग बताओ कि मैं क्या आपका मनोरंजन ठीक से नहीं करा पाता, या मैं आपके मनोरंजन में कोई कमी करता हूं। भोजपुरी भाषा के लिए, अच्छी फिल्मों के लिए दिनों रात, चाहे अपने बॉडी के लिए हो, या जग के हो, या रो के हो, गा के हो, धूप हो या जाड़ हो या सर्दी हो या कुछ भी हो, मैं बीमार भी रहता हूं तो काम करता हूं। आप लोग पूरे इंडस्ट्री में पूछ सकते हैं मेरे काम कर...